आदाब। आज कुकटेन में हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं रबड़ी घेवर, जो इंस्टेंट तरीके से बनाएंगे। ये राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी है। अक्सर ये गणगौर या तीज पर ही बनाए जाते हैं। हम इसको घर पर ही बनाएंगे, जो कि एक इंस्टेंट रेसिपी, बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए। सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसको हमने भगोने में गर्म करने के लिए रख दिया है। इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए हमने ब्रेड के 3 स्लाइस लिए हैं। इनके किनारों को हमने कट कर लिया है और एक मिक्सर जार के अंदर इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। दूध बॉईल हो चुका है। इसको हम आधा होने तक गैस पर ही रखेंगे और साथ में केसर के कुछ दाने भी, रेशे भी डाल देंगे। 1 लीटर का हमको आधा लीटर दूध करना है, इतना इसको बॉईल करना है। घेवर बनाने के लिए हमने 7-8 पीस ब्रेड के लिए हैं। हमको व्हाइट ब्रेड ही चाहिए, ब्राउन ब्रेड बिल्कुल नहीं चाहिए हमको इसमें। अभी देखिए, हम एक कटर से ब्रेड को गोल शेप में काट लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमको गोल शेप में ब्रेड को काट लेंगे और एक छोटा ढक्कन और लेंगे। इसको बिल्कुल बीच में रखेंगे, सेंटर में। इसको भी थोड़ा दबा देंगे। ये देखिए, घेवर की शेप में हमने ब्रेड को कट कर लिया है। इसी तरीके से हम और भी पीसेस ब्रेड के तैयार कर लेंगे। देखिए, दूसरा पीस भी तैयार है। साइड से हम हटा देंगे, ये हमारे ब्रेड क्रम्स में काम आ जाएगी। और अब एक छोटा ढक्कन बिल्कुल सेंटर में हम रखकर इसको निकाल लेंगे। देखिए, घेवर की शेप आई है बिल्कुल। इसी तरीके से हम सभी पीसेस ब्रेड के घेवर की शेप में ले लेंगे। देखिए, हमने ब्रेड के घेवर की शेप में काट लिया है ब्रेड को। दूध बॉईल हो रहा है। देखिए, दूध गाढ़ा होने लग गया है। इसमें हम चीनी डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिए। हमने 1 बड़ा चम्मच चीनी का डाला है। देखिए, हमने ब्रेड को मिक्सी में घुमा दिया है। अब दूध हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें हम इसको डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके पका लेंगे दूध के साथ में ब्रेड को। देखिए, गाढ़ा होने लग गया है हमारा दूध। रबड़ी हमारी बन रही है, तो हम घेवर के लिए चाशनी को एक दूसरे गैस पे तैयार कर लेते हैं। पैन हमने गैस पे रख दिया है। एक कटोरी हमने चीनी डाल दी है और आधा कप हम इसमें पानी डाल देंगे। एक तार की चाशनी हम बना लेंगे। रबड़ी में हम इलायची पाउडर डाल देंगे, कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते डाल देंगे। थोड़े हमने गार्निशिंग के लिए भी रख लिए हैं। देखिए, जाफरान का कितना अच्छा कलर आया है। चीनी मेल्ट हो चुकी है पूरी, चाशनी हमारी बन रही है। देखिए, रबड़ी हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे।
और ठंडा होने के लिए रख देंगे। चाशनी हमारी बन चुकी है एक तार की, गैस को हम बंद कर देंगे। कढ़ाई में हमने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है, रबड़ी को हमने फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दिया है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ब्रेड को डाल के गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है, इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी तरीके से ब्रेड को और पीसेस हम तल लेंगे। देखिए ब्रेड को हमने फ्राई कर लिया है, अब हम इसको चाशनी में डिप कर देंगे। एक साइड में रख देंगे। इसी तरीके से सभी पीसेस को चाशनी में डिप करके हम निकाल लेंगे दोनों साइड से। घेवर को हमने चाशनी में से निकाल दिया है। देखिए रबड़ी भी हमारी तैयार है, कितनी गाढ़ी हो गई है रबड़ी ठंडी होने से। अब हम एक एक घेवर को उठाएंगे और रबड़ी को घेवर के ऊपर लगा देंगे। देखिए घेवर के ऊपर हमने रबड़ी को लगा दिया है, अब एक प्लेट में हम इसको रख देंगे। इसी तरीके से सभी घेवर पे हम रबड़ी को लगा लेंगे। लीजिए क्विक एंड इजी रबड़ी घेवर आपके लिए तैयार है। इसको हम थोड़े बादाम और पिस्ते से इसको गार्निश कर देंगे। अगर आपको हमारी रबड़ी घेवर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुक टेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।